एंड व्हाट्सअप और आज हम पहुंच चुके हैं द पार्ट फाइव ऑफ द बैंक रिकन्फर्मेशन स्टेटमेंट। और आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा बीआरएफ का, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया और आपसे हो गया तो आप बीआरएफ का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द रामाकांत बीआरएफ ऑन 31st अगस्त एंड फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक। ओके, मतलब मुझे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, मुझे पासबुक का बैलेंस जानना है। सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस एज पर अवर रिकॉर्ड, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से। देखो जब भी अपन बीआरएफ बनाते हैं पहले अपन क्या बनाते हैं, ये स्टेटमेंट बनाएंगे बीआरएफ बैंक की स्टेटमेंट। कौन सी डेट को बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 31/8/24 को बना रहे हैं, और पर्टिकुलर रुपी इनर कॉलम और आउटर कॉलम। तो यहां पे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, जब हमारी बुक के हिसाब से होगा तो वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज पर आवर रिकॉर्ड्स, मतलब हम क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं। कैश बुक में बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास 27,000 है, कितने हैं 27,000। ध्यान रखना फेवरेबल बैलेंस लिखा हुआ है, फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, क्लियर है। ओके, मतलब मेरे अकाउंट में 27,000 पड़े हुए हैं। दूसरा, चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम मित्तल वाज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, द चेक वाज कलेक्टेड ऑन 28 अगस्त। एक मैंने चेक मुझे मिला, किससे मिला, मित्तल से मिला। ओके, वो मैंने दो बार एंटर कर लिया, ट्वाइस एंटर कर लिया। सुनो, बीआरएफ के अंदर हम कभी भी ये बात ध्यान रखना, आंख बंद करके एकदम ये मन में बात सोचो, डू वॉट इज डन, हमेशा जो हम बोलेंगे, जो हमने किया है वो हम करेंगे। हमने क्या किया है, ये जो लाइन है कभी मत भूलना, डू वॉट इज डन। तो यहां पे लिखा हुआ है मुझे चेक मिला मित्तल से, तो आप एक वर्किंग नोट बनाओगे। आपको पता है वर्किंग नोट हर क्वेश्चन के अंदर ये वर्किंग नोट बनता है, और इस वर्किंग नोट के बिना कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये कैशबुक का वर्किंग नोट, ये पासबुक का, कैशबुक जो हम बनाते हैं, पासबुक जो बैंक बनाती है, क्लियर है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे चेक डिपोजिटेड, ओके, बट एंटर्ड ट्वाइस, दो बार मैंने एंटर कर लिया। ओके, तो मेरे को किसी ने चेक दिया, तो जब मुझे किसी को चेक आएगा तो मैंने दो बार एंटर कर लिया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट हैज बीन एंटर ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार एंटर किया है, तो मैंने कैश बुक में दो बार रिसीट साइड में दिखा दिया। ओके, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेक वाज कलेक्टेड ऑन 28 अगस्त, मतलब बैंक ने, जब चेक कलेक्ट हो जाता है इसका मतलब है कि बैंक ने एंट्री कब की, बैंक ने एंट्री की है एक ही बार 28 अगस्त। मैं तो 31 अगस्त का बना रहा हूँ ना, मतलब 28 अगस्त तक एंट्री हो गई है, तो बैंक ने जो एंट्री की है वो एक ही बार की है। अरे भैया बैंक तो एक ही बार एंट्री करेगा ना, बैंक ने गलती नहीं की है, मैंने गलती की है। मुझे एक चेक मिला 400 रुपये का, मैंने वो 400 रुपये का दो बार एंट्री कर ली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो बार 400 और 400, और बैंक ने एंट्री की है मात्र एक बार, क्योंकि बैंक तो एक ही बार करेगा, तो बैंक डिपॉजिट साइड में करेगा, मैं दो बार करूँगा। मैं ठीक गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो हुआ है डू व्हाट इज डन वो कर रहा हूँ, क्लियर है। ओके, फिर लिखा हुआ है चेक ऑफ ₹700 रिसीव फ्रॉम हेमंत वॉज एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, द चेक वॉज कलेक्टेड ऑन 5th अक्टूबर। एक मुझे हेमंत से चेक मिला, सेम चेक डिपोजिटेड बट एंटर ट्वाइस, कितना हेमंत से मुझे चेक कितने का मिला, 700 रुपये का। वो बोलता है मैंने दो बार एंटर कर लिया, मैंने दो बार एंटर कर लिया, मुझे 700 रुपये का चेक मिला, मैंने एक बार नहीं दो बार, लिखा ना एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, तो मैंने गलती की है। ओके, द चेक वॉज कलेक्टेड ऑन 5 सितंबर, बैंक ने एंट्री की है या नहीं की है, बैंक तब एंट्री करता है जब चेक कलेक्ट होता है। सपोज करो किसी ने मुझे चेक दिया, तो भैया जब मैं बैंक को जमा कराऊंगा तब जाके बैंक एंट्री करेगा, तो बैंक के पास वो चेक कब आया, 5 सितंबर, तो बैंक ने एंट्री कब की है, 5 सितंबर को। तो एज ऑन 31 अगस्त, जब 31 अगस्त का अपन जो बीआरएफ बना रहे हैं 31 अगस्त तक क्या बैंक ने एंट्री की क्या क्या बैंक ने एंट्री की क्या, नहीं सर बैंक ने एंट्री नहीं की।
सर आपको कैसे पता? लिखा हुआ है ना कि बैंक ने एंट्री 5 सितंबर को की, तो क्या 31 अगस्त तक बैंक ने एंट्री की है? नहीं, 31 अगस्त तक बैंक ने एंट्री नहीं की है। अगर 31 अगस्त तक बैंक ने एंट्री करता तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट साइड में 700 रुपये लिखता, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुझे एक चेक मिला 700 रुपये का, मैंने 2 बार एंट्री कर ली, बैंक ने एंट्री 5 सितंबर को की है। भैया मुझे तो डू वॉट इज डन, 31 अगस्त तक, अगस्त के बाद ही तो सितंबर आता है, तो 31 अगस्त तक बैंक ने एंट्री नहीं की है तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। थोड़ा मेरा गला खराब है तो सॉरी आप मेरे वॉइस के लिए। ओके, चेक ऑफ रुपी 1000 रिसीव फ्रॉम रितु वॉज एंटर्ड इन टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ओके ओके, चेक एंटर रॉन्ग, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि मुझे एक चेक मिला 1000 रुपये से, मुझे चेक मिला रितु से, मैंने गलती से कहाँ एंटर कर लिया, क्रेडिट साइड। एक बात बताओ, ये है मेरी कैश बुक, ये है मेरी कैश बुक, ओके, कैश बुक में बैंक कॉलम, मेरा डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। जब मुझे कोई चेक मिलेगा, रितु से मुझे चेक मिला 1000 रुपये का, तो भैया एक बात बताओ, मुझे एंट्री यहाँ करनी चाहिए थी। मेरी बुक्स में जब मुझे कोई चेक मिलता है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मुझे डेबिट साइड में करना था, पर मैंने डेबिट साइड में नहीं किया, मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, मेरे अकाउंटेंट ने गलती पेमेंट साइड पे कर ली है। सर आपको चेक मिला, मुझे किसी ने पेमेंट दिया, मुझे पैसा आया, तो रिसीट साइड में होनी चाहिए थी, मैंने गलती से एंट्री पेमेंट साइड में कर ली। वही तो लिखा हुआ है, इट हैज बीन एंटर्ड इनटू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब होता है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ये वाला साइड। तो आपको पता होना चाहिए कैश बुक में ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, और ये डेबिट क्रेडिट पासबुक में होता है। तो मुझे एक चेक मिला 1000 रुपये का, मैंने एंट्री कहाँ कर ली, पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में। देखो ध्यान रखो कि मैं डू व्हाट इज डन करता हूँ, जो हुआ है वो करूँगा, तो पेमेंट साइड में 1000 रुपये की मैंने एंट्री कर ली है। ओके, एंड चेक वॉज कलेक्टेड, बैंक ने एंट्री कब की है, बैंक ने एंट्री 29 अगस्त को कर ली, मतलब बैंक ने एंट्री, जब मुझे कोई चेक मिलेगा तो बैंक ने गलती नहीं की है। अरे भैया मुझे किसी ने चेक दिया, मुझे किसी ने चेक दिया 1000 रुपये, तो बैंक ने एंट्री डिपॉजिट साइड में 1000 रुपये की एंट्री कर ली 29 अगस्त को, पर मैंने एंट्री डिपॉजिट साइड में, रिसीट साइड में नहीं की, मैंने गलती से क्रेडिट साइड में कर दी। डू व्हाट इज डन, तो मैंने गलत किया है, पेमेंट साइड में एंट्री की है, बैंक ने डिपॉजिट साइड में सही एंट्री की है, क्लियर है। तो एक्चुअली एंट्री मेरी यहाँ होनी चाहिए थी, पर मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली। ओके चलो ये भी हो गया। An item presented on the receipt side, item presented on the receipt side of the cash book but not found in the passbook 850. वो बोल रहा है एक आइटम 850 का है जो मेरे रिसीट साइड में आ रहा है पर पासबुक में नहीं आ रहा। डू वॉट इज डन, ये बात प्लीज ध्यान रखो, BRF के अंदर जो हुआ है वो करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। ओके तो यहाँ पे मुझे एक मेरा एक रिसीट साइड, मेरा रिसीट साइड क्या है ये, उसमें एक 850 की एंट्री है जो मेरे बुक में तो है पर बैंक की बुक में नहीं है, मेरी बुक में है बैंक की बुक में नहीं है, तो मेरे बुक में तो है ना एंट्री। डू वॉट इज डन, ओके आइटम सॉरी मिसिंग, ओके 850 मैंने मेरे बुक में है। हम BRF में कभी भी ठीक नहीं करते, हम हमेशा BRF बनाते हैं रिकन्सिलेशन के लिए। लास्ट 6th पॉइंट, एन आइटम प्रेजेंटेड ऑन द विड्रॉवल साइड ऑफ द पासबुक बट नॉट फाउंड इन द कैश बुक। एक आइटम है 2500 रुपये का, वो विड्रॉवल साइड में, पासबुक के विड्रॉवल साइड में आ रहा है पर मेरे बुक्स में नहीं आ रहा है। डू वॉट इज डन, जो एक बोल रहा है 2500 का एक आइटम है जो मेरे विड्रॉवल साइड में आ रहा है बट मेरी पासबुक, मेरी कैश बुक में वो नहीं आ रहा, तो उसको डैश डैश हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। डू वॉट इज डन, आपका जो एक आइटम है विड्रॉवल साइड में आ रहा है, परफेक्ट है, तो विड्रॉवल साइड में आप डाल दो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये आता तो, अगर विड्रॉवल में आता तो मेरे पेमेंट में आना चाहिए था, पर मेरे पेमेंट में वो आइटम नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हो आइटम मिसिंग, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। बैंक हैज
रॉन्गली डेबिटेड अवर अकाउंट बाय 170 विच इज रिवर्स ऑन सितंबर। अब बताओ इसका क्या होगा, बैंक ने मेरा अकाउंट गलती से 170 से डेबिट कर लिया। एक मिनट मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। बैंक ने एक मेरा कितना अमाउंट है भैया, 170 रुपये गलती से मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मतलब ये मेरी बैंक बुक है जो मेरी बैंक बनाती है पासबुक, बैंक ने डेबिट कर लिया, ये डेबिट या क्रेडिट होता है, 170 रुपये मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया। मैंने गलती नहीं की है, मैंने कोई एंट्री नहीं की है, बैंक ने क्या किया, कुछ चार्जेस लगा दिए, गलती से मेरे अकाउंट में चार्जेस लगा दिए, मैंने तो लगाए नहीं। तो भैया बैंक ने गलती से लगा दिया ना 170, जो हुआ है वो करो, और उसको बैंक ने ठीक भी कर दिया। पर भाई साहब पता है ठीक कब किया, 31 अगस्त तक नहीं किया, बैंक ने ठीक सितंबर में किया। हमें क्या करना, 31 अगस्त तक बताओ सिचुएशन क्या है। एज ऑन 31 अगस्त हमारे पास बैंक ने मेरा अकाउंट को बिना फालतू 170 से डेबिट कर दिया, बस डू व्हाट इज डन, मैंने कुछ नहीं किया, बैंक ने किया है, ओके चलो। फिर हो गया फॉलोइंग चेक वॉज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने ये चेक इशू किया साहिल और कार्तिक को, पर अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो देखो मैं तो एंट्री कर लूँगा, मैंने 700 और 200 की एंट्री कर ली है, ओके, तो मैं एक एंट्री कर लूँगा, ओके चलो मैं एंट्री कर रहा हूँ, एक मिनट मैं एंट्री कर लूँगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। वो बोलता है कि मैंने 700 का और 200 का एक चेक इशू किया। जब मैं किसी को चेक इशू करता हूँ तो हमेशा ध्यान रखना वो मैं मेरा पेमेंट साइड में आएगा, तो मैंने चेक इशू किया, ओके। वो बोलता है कि मैंने अभी तक वो चेक बैंक को प्रेजेंट नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक मेरी एंट्री तभी करेगी जब वो चेक प्रेजेंट होगा। तो भैया बैंक के पास वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक तो एंट्री करेगी नहीं। अरे यार अगर सपोज करो मैंने आपको चेक दिया तो आप जब तक मेरी बैंक नहीं जाओगे तब तक मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। तो अभी तक तो सिर्फ मैंने आपको एक चेक दिया है तो मैंने तो 700-200 की एंट्री कर ली है, मेरे बैंक में भी पैसे माइनस नहीं हुए बिकॉज वो चेक आपकी जेब के अंदर ही है। तो मेरी बैंक ने कोई भी एंट्री नहीं की है, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। नाइन्थ, ओनर रामाकांत विड्रॉ 200 फ्रॉम बैंक फॉर योर पर्सनल यूज एंड सेम वॉज रिकॉर्डेड इन टू द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। चलो ट्राई करो। एक मेरा मालिक है रामाकांत जी, उसने 200 रुपये मेरी बैंक से निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, पर मैंने गलती से वो कैश कॉलम में एंट्री कर ली। ये क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखो वहीं से तो मैं आपको एक लाइन आपको मैंने क्लियर बोली है, डू व्हाट इज डन। दिमाग नहीं लगाना आपको बीआरएस में, दिमाग आप घर भूल जाओ, बीआरएस में तो जो लिखा हुआ है वो करना है, दैट्स इट, डू व्हाट इज डन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रामाकांत ने 200 रुपये मेरी बैंक से निकाले और मैंने गलती से कैश कॉलम में एंट्री कर ली, ओके। तो जब एक बार तो रामाकांत 200 रुपये मेरे बैंक से निकालेगा तो यहाँ पे वो ड्राइंग हो जाएगी, हाँ ड्राइंग हो जाएगी। तो जब वो मेरी बैंक से पैसे निकालेगा अब 200 रुपये, तो वो तो विड्रॉवल साइड में ही आएगा ना, कोई अकाउंट मेरा मालिक मेरे बैंक से पैसे निकालेगा तो वो विड्रॉवल साइड में आएगा, 200 रुपये निकाला, अच्छा। पर मैंने, बैंक ने तो एंट्री कर ली, अपन यही एज्यूम करते हैं बैंक ने सही एंट्री की, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, मैंने तो एंट्री कर ली, बट सेम वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। होता क्या है कि मेरे मालिक ने पैसा निकाला, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो मेरा जो अकाउंट होता है, आपको पता है जब मैं कैश बुक बनाता हूँ, जब मैंने आपको कैश बुक बताया था तो मेरे दो कॉलम होते हैं, कैश और बैंक, आपको पता है ना, मेरे दो कॉलम होते हैं कैश और बैंक, ठीक है ना, ये क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक है ना, ओके।
समझो क्या हुआ कि रामाकांत जी ने 200 रुपये मेरे बैंक से निकाले। तो जब भी कोई 200 रुपये मेरी बैंक से निकालता है तो मुझे 200 रुपये की एंट्री मेरे पेमेंट साइड में आनी चाहिए थी। ये मेरा पेमेंट साइड है तो मुझे एंट्री बैंक कॉलम में करनी चाहिए थी। अरे भैया, मेरे मालिक ने 200 रुपये मेरे बैंक से निकाल दिए तो मेरे बैंक माइनस होना चाहिए था ना। बट मैंने एंट्री बैंक में नहीं की, मैंने एंट्री बैंक में नहीं की, मैंने एंट्री गलती से कैश में कर दी, मैंने एंट्री गलती से कैश में कर दी। डू वॉट इफ डन, क्या मैंने बैंक कॉलम में कोई एंट्री की है? नहीं। क्या मैंने बैंक कॉलम में कोई एंट्री की है? नहीं। मैंने गलती, मुझे एंट्री यहाँ करनी थी पर मैंने एंट्री यहाँ कर ली। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सही गलत करने नहीं बैठे हैं, हम तो सिर्फ करने बैठे हैं भाई साहब। डू वॉट इज डन, जो हुआ है वो करो। आपको वो जो जो सीन है वो रिक्रिएट करना है। आप वो सीआईडी देखते हो ना, उसमें क्या होता है, क्राइम का जो सीन होता है वो रिक्रिएट करना होता है। बस वहां पे भी बीआरएस में यही करना है, जो सीन हुआ है वो रिक्रिएट करो। तो यहां पे 200 रुपये मैंने एंट्री गलती से कैश कॉलम में कर दी। लिखा है ना, अरे बैंक से पैसा निकाला तो बैंक में एंट्री होनी चाहिए थी, तो मैंने एंट्री कर ली कैश कॉलम में। कैश कॉलम में इसका मतलब है कि मैंने बैंक कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं की है, तो मेरी बैंक कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। मेरे मेरी बैंक ने तो 200 रुपये माइनस कर दिए, पर मैंने एंट्री बैंक में, ये मेरी कैश बुक में, बैंक कॉलम में मैंने कोई एंट्री नहीं की है, मैंने कैश बुक में एंट्री की है। ओके, तो ध्यान रखना। आधे बच्चे तो कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सही करने लग जाते हैं। अरे सही नहीं करना यार, सही नहीं, आपको तो रिक्रिएट करना है। ओके, ट्रांजेक्शन, चेक इशूड अगेन पेमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 7,000, चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,200, वन चेक वॉज कैंसल ऑन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। सर ये क्या लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ। देखो, मैंने चेक इशू कितने का किया, 7,000 का। सुनो 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 सुनो, देखो ध्यान से मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, मैंने चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सुनो क्या लिखा हुआ है, मैंने चेक कितने का इशू किया, वो बोलता है मैंने चेक इशू किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 7,000 का। जैसे ही मैं कोई चेक इशू करता हूँ तो मैं एंट्री करता हूँ 7,000 की, मैंने एंट्री कर ली 7,000 की, मैंने एंट्री कर ली। बात समझ में आई, मैंने जब चेक इशू करता हूँ तो मेरा पेमेंट साइड में माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस हो जाएगा। ओके, उसके बाद बैंक ने एंट्री 31 अगस्त तक चेक प्रेजेंटेड, बैंक तभी एंट्री करता है जब वो चेक प्रेजेंट होता है। सपोज करो मैंने आपको चेक दिया, तो मेरा बैंक तब एंट्री करेगा जब वो आप चेक मेरी बैंक में लेके जाओगे। तो आप चेक मेरी बैंक में लेके गए 6,200 रुपये का, तो बैंक ने एंट्री 6,200 रुपये मेरे विड्रॉवल साइड में कर दी। मैंने एंट्री 7,000 की है, बैंक ने एंट्री मात्र 6,200 रुपये की है। क्लियर है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। एक चेक 400 का मैंने कैंसिल कर दिया अगस्त के लास्ट वीक में। मैंने 7,000 का चेक दिया था, उसमें से 400 का चेक मैंने कैंसिल कर दिया। जब मैं कोई चेक कैंसिल करता हूँ तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ 400 माइनस कर लूँ या फिर यहाँ पे 400 लिख दूँ, एक ही बात है, एक ही बात है। समझ में नहीं आया, मैंने किसी को 7,000 का चेक दिया, ठीक है ना। अब उसमें से मुझे मालूम चला यार 400 का चेक तो कैंसिल कर दिया, मैंने कहा वापस दे दे वो चेक। तो या तो मैं 7,000 में फिर 400 माइनस कर लूँ, एक ही बात है, 7,000 माइनस 400 कर लूँ, या फिर 400 यहाँ दिखा दूँ। अल्टीमेटली ये माइनस ही तो हो रहा है, तो अरे भैया, अरे भैया यार, आप बिना से बातें करते हो। 2 + 3 = 5, तो 2 = 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वो बोल रहा है कि मैंने किसी को एक चेक इशू किया 400 रुपये का, वो कैंसिल कर दिया। मैंने चेक की तो एंट्री कर ली 7,000 की, वो 400 रुपये की एंट्री कर ली पेमेंट पे, पर वो कैंसिल कर दिया। तो या तो 7,000 में फिर 400 माइनस करूँ, या तो ये, या फिर इस 400 को मैं क्या करूँ, रिसीट साइड में दिखा दूँ, एक ही बात है। आप इसको यहाँ पे भी दिखा सकते हो, और अगर आपको यहाँ नहीं दिखाना तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको दोनों में से कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो बैंक ने कोई एंट्री नहीं की है, जब मैंने चेक ही कैंसिल कर, बैंक एंट्री तो नहीं करेगा। मैं चेक फाड़ दिया, मैंने 7,000 का चेक इशू किया, 7,000 की एंट्री की।
400 का चेक मैंने फाड़ दिया तो 7000 का चेक इशू नहीं किया, 400 मैंने उसमें माइनस कर दिया और 400 मेरा बैंक ने कोई एंट्री नहीं की। बैंक तो एंट्री तभी करेगा जब वो प्रेजेंट होगा, क्लियर है? आपको यहाँ दिखाना, आप यहाँ दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो आपने यहाँ दिखा दिया, कोई इशू नहीं है, मैं चाहता हूँ आप इसको यहाँ दिखाओ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। चेक रिसीव एंड पेड इन टू द बैंक इज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक ऑन 4 सितंबर, एंट्री फॉर चेक डिसऑनर्ड वॉज नॉट पे। मुझे एक चेक मिला 200 रुपये का, वो डिसऑनर्ड हो गया ऑन 4 सितंबर, एंट्री फॉर चेक डिसऑनर्ड वॉज नॉट पास्ट। ओके, सुनो, मुझे एक चेक मिला 200 रुपये का, जैसे ही मुझे चेक मिला, चेक डिसऑनर्ड लिख दो, जैसे ही मुझे चेक मिला, कितने रुपए का मिला, 200 रुपए का, भाई मैंने तो एंट्री, मुझे तो लगा कि मेरा चेक पास हो जाएगा। जब भी मुझे कोई चेक मिलता है तो मैं यही हमेशा एज्यूम करता हूँ कि मेरा चेक पास हो जाएगा, मैंने तो डिपॉजिट साइड में, रिसीट साइड में एंट्री कर ली। ओके, अब बैंक कब एंट्री करेगा, सुनो, बैंक एंट्री कब करेगा, जब वो चेक पास होगा। वो बोलता है कि चेक तो डिसऑनर्ड हो गया 4 सितंबर को, इसका मतलब है अगस्त के बाद डिसऑनर हुआ, इसका मतलब है बैंक ने कोई एंट्री नहीं की। अरे बैंक डिसऑनर के केस में कभी भी बैंक कोई एंट्री नहीं की, बैंक ने एंट्री नहीं की, मैंने एंट्री की क्या, मैं मुझे चेक मिला 200 रुपये का, मैंने एंट्री कर ली, 200 रुपये मुझे मिला, बैंक ने एंट्री की क्या, नहीं, बैंक एंट्री तभी करता है जब वो चेक पास होता है। तो अगर वो चेक पास होगा तो 200 रुपये डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा, और अगर वो चेक पास नहीं हुआ तो वो रिसीट साइड में वो नहीं आएगा, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे चेक मुझे मिला 200 रुपये का, मैं तो रिसीट साइड में एंट्री कर ली, मुझे लगा चेक पास हो जाएगा, बैंक ने कोई एंट्री नहीं की है बिकॉज बैंक में तो डिसऑनर हो गया। अच्छा, वो बोलता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली 4 सितंबर को डिसऑनर हुआ, क्या 31 अगस्त तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, एंट्री वॉज नॉट पा, क्या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन है कि भैया चेक पास नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे भैया मुझे किसी ने 200 रुपये का चेक दिया, मैंने रिसीट साइड में एंट्री कर ली, ठीक है मेरा चेक पास हो जाएगा, मैं बैंक में क्या जमा करा दिया, मालूम चला वो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक ने तो कोई एंट्री नहीं की, और बैंक ने मुझे बताया भी नहीं, और मुझे बताया भी हो तो मैंने डिसऑनर की एंट्री नहीं की। अगर बैंक मुझे इन्फॉर्म करता तो मैं यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे भी मैं 200 रुपये यहाँ पे काट देता, बिकॉज डिसऑनर्ड हो गया तो रिसीट साइड में आना ही नहीं चाहिए था, पर हुआ क्या, बैंक ने मुझे बताया ही नहीं तो मैंने डिसऑनर की एंट्री नहीं की। डिसऑनर की एंट्री मैं तब भी करूँगा ना जब मुझे बैंक इन्फॉर्म करेगा, और जब मुझे बैंक इन्फॉर्म करेगा तो मैं रिसीट साइड में डिसऑनर की एंट्री 200 रुपये यहाँ पे काट दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। डिसऑनर का मतलब है मेरा चेक पास नहीं हुआ तो 200 रुपये मैं यहां से हटा देता, पर बैंक ने मुझे बताया नहीं तो मैंने अभी यहां से नहीं हटाया, क्लियर है। लास्ट पॉइंट, चेक ऑफ ₹450 इशूड रॉन्गली एंटर्ड इनटू द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैशबुक, सेम चेक वाज आउटस्टैंडिंग। वरे वाह, क्या पॉइंट है। मैंने एक देखो, अब मुझे ये पॉइंट करके बताओ, मैं आपको तभी मानूंगा कि आप मेरे BRF सीख रहे हो मेरे साथ, आप ये पॉइंट करके दिखाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, बताओ क्या लिखा हुआ है। वो बोलता है मैंने एक चेक इशू किया, चेक इशूड, ओके, मैंने 450 का चेक इशू किया, पर मैंने गलती से डिस्काउंट कॉलम में एंट्री कर लिया। आपको पता है कि जब अपन कैश बुक बनाते हैं एक डिस्काउंट कॉलम भी होता है, तो मैंने किसी को एक चेक इशू किया, कितने रुपए का, 450 रुपये का, तो भैया मैंने गलती से एंट्री मुझे यहाँ पर करनी थी, पर मैंने बैंक कॉलम में एंट्री नहीं करके डिस्काउंट कॉलम में कर ली, एक बात बताओ, एंट्री तो मुझे बैंक कॉलम में करनी चाहिए थी ना। डू वॉट इज डन, जो हुआ है वो करो। तो चार आपने एंट्री नहीं की ना, आपने एंट्री नहीं की, मैं तो एंट्री नहीं की, मैंने बैंक कॉलम में ना रिसीट ना पेमेंट कुछ भी एंट्री मैंने नहीं की है, क्लियर है, समझ में आया। चलो मैंने एंट्री नहीं की है, एक बात बताओ क्या बैंक ने एंट्री की है क्या, मैंने वो चेक इशू किया है, ओके मैंने तो गलत एंट्री की है, अभी तक वो चेक आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ।
चेक, जब मैं किसी को चेक इशू करता हूँ 450 का, तो भैया मेरे को पेमेंट साइड में एंट्री करनी थी पर मैंने नहीं की, तो मैंने यहाँ पे अपनी बुक्स में नहीं दिखाया, अपनी बुक्स में पेमेंट साइड में नहीं दिखाया, ओके मैंने एंट्री गलती पर डिस्काउंट कॉलम में कर दी। बैंक एंट्री तभी करेगा जब वो क्लियर होगा, वो बोल रहा है अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग है, तो बैंक मेरा अकाउंट माइनस नहीं करेगा जब तक वो पास नहीं होगा। तो यहाँ पे बैंक ने भी कोई एंट्री नहीं की है, क्लियर है, समझ में आया? तो ये यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। अब BRF कैसे बनाएंगे? देखो BRF का आपका स्टार्टिंग क्या है, आपका स्टार्टिंग है कैश बुक, तो आप कैश बुक पे आ जाओ। कैश बुक में रिसीट प्लस होता है माइनस होता है? सर रिसीट हमेशा प्लस होता है, उसका अपोजिट कर लो माइनस। क्या करोगे? माइनस। अगर ये, अरे भैया आप स्टार्ट किससे कर रहे हो, दिल्ली या बॉम्बे? अरे दिल्ली से कर रहे हो सपोज करो, तो कैश बुक है ना, कैश बुक, तो कैश बुक में आ जाओ। कैश बुक में रिसीट क्या होता है? प्लस होता है, तो उसको अपोजिट साइड माइनस, फिर उसका अपोजिट प्लस, फिर उसका अपोजिट माइनस, फिर उसका अपोजिट प्लस, आपको ये प्लस माइनस करना है, क्लियर है, समझ में आया? चलो तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल पहले प्लस की एंट्री करनी है और फिर आपको माइनस की एंट्री करनी है। तो पहले अपन ऐड की एंट्री करते हैं, चलो पहले ऐड की एंट्री करते हैं, पहले ये वाला देख ले अपन ऐड। चलो यहाँ पे कुछ ऐड है क्या? ऐड 1000 ऐड है और एक यहाँ पे भी 1000 ऐड है। तो आइटम मिसिंग, तो 2000 रुपये आइटम मिसिंग 2000 रुपये। सर 2000 रुपये कैसे आए? एक तो ये एंट्री कर ली और एक ये एंट्री कर ली, ये भी तो प्लस है, ये भी तो प्लस है, ये एंट्री हो गई। उसके बाद आगे बढ़ो, प्लस यहाँ पे, अभी ये वाला भी प्लस है और अपन करेंगे, डोंट वरी। एक ये भी प्लस है, 700 और 200 प्लस है, हाँ 700 200 प्लस है, तो यहाँ पे भी करो 900 रुपये। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, 900 रुपये चेक Not presented, okay? तो ये भी एंट्री हो गई। आपको क्या करना है? प्लस माइनस करना है, प्लस, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं प्लस में। फिर है ये है 7400 रुपये, ठीक है ना? तो 7000 माइनस 400 रुपये कितना होता है? 6600 रुपये, 6600 रुपये माइनस, ये माइनस में है, तो एक ही कॉलम है ना, तो 7000 प्लस है, 400 माइनस है, तो 6600, 7000 माइनस 400, 6600, 6600 माइनस 6200, 400 रुपये, 400 रुपये। तो आपने इन सब की, ये भी एंट्री और ये भी एंट्री आपने एक साथ कर दी, तो 400 रुपये की आपने एंट्री होगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नहीं समझ में आया? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ प्लस माइनस कर रहा हूँ, अभी मैथमेटिक्स का गेम है। प्लस 7000 माइनस 400, 6600, 6600 माइनस 6200, सर 400 रुपये, अभी भी प्लस में आ रहा है, तो 400 रुपये, तो ये भी एंट्री हो गई है। सर प्लस के सारे हो गए? हाँ हो गए। अभी माइनस के कर लो, अभी ये रह गया ना, ये रह गया प्लस को। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये और ये तो कट गए। प्लस 400 माइनस 400 काट दो, ओके। अभी एक माइनस 400 बचा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड, ओके लेस करो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड कितना? 400 रुपये। सर कैसे? अरे भैया 400 प्लस और 400 माइनस है, वो तो काट दिया अपन ने, अब 400 माइनस में आ रहा था, मैंने माइनस में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डम 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 माइनस में कितना आ रहा है? 1400, चेक डिपॉजिटेड बट एंटर ट्वाइस, तो 1400 चेक डिपॉजिटेड बट आप मेरी एंटर ट्वाइस, आप मेरी राइटिंग इग्नोर करो कि मैं फटाफट बता रहा हूँ, 1400 रुपये, क्लियर है? चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये कर गया, ये हो गया। उसके बाद हो गया ये 850 का आइटम मिसिंग, 850 का आइटम मिसिंग, तो यहाँ पे हो गया आइटम मिसिंग, ठीक है ना, ये भी हो गया। उसके बाद हो गया 2500 का भी हो गया आइटम मिसिंग, ओके, तो 2500 आइटम मिसिंग, ओके, ये भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका है ये एक माइनस, ये 170 रह गया, रॉन्ग डेबिटेड बाय द बैंक, तो 170
रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक 170, ओके ये भी हो गया। उसके बाद कौन सा रह गया, सो ये 200 रुपये रह गया, ड्राइंग 200 रुपये, ओके तो ये भी माइनस होगा, ड्राइंग 200 रुपये और हो गया। और ये क्या है, चेक डिसऑनर 200 रुपये। अरे भैया हो तो गया, ये भी हो गया, सारे हो गए, आपने सारे कर लिए। अपन को कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है, वो आप भी कर सकते हो। कि मैं तो आपको ये स्लाइड बारी बारी पलट रहा हूँ, पर आपको क्या करना है, माइनस प्लस 400 400 कर गया, 400 काट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 1400 रुपये, 1000 और 1000 2000 रुपये हो गया, मैंने सारे एंट्री कर ली, कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं छूट गई है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टोटल निकालना है, 2000 तो 3300 प्लस होगा, और ये कितना हो जाएगा सर, 400 + 1400 + 850 + 250 + 2500 + 170 + 400 रुपये, सर टोटल हो जाएगा 5720, क्लियर है। तो 27000 रुपये प्लस 3300 माइनस 5720 इज इक्वल टू 24580, और ये जो बैलेंस होगा, ये होगा बैलेंस एज पर आपने शुरू किया था कैश बुक पे, तो ये ख़त्म होगा पास बुक पे। आपने शुरू किया था कैश बुक से, तो ये ख़त्म कहाँ पे होगा, पास बुक से। तो यहाँ पे ये 27000 ये बैलेंस है, तो पास बुक का बैलेंस कितना आ रहा है, 24580। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आप कैश बुक पर चालू करोगे तो आपका पास बुक का आएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस 24580, इट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ द पासबुक। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, होपफुली आपको ये BRF का जो कंसेप्ट है ना, अभी ओवरड्राफ्ट का मैंने नहीं बताया, उसके अलावा आपका सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, क्लियर है। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा द वेरी इंपॉर्टेंट ओवरड्राफ्ट का पॉइंट, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप चेक कर लेना, एंड जब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कमेंट कर देना, सो दैट यूट्यूब एल्गो को वो और लोगों को दिखाए, एंड जब डू कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ऑन ज्वाइन करो, मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल अकाउंट.com पे, एंड जब डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।